कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह तीन तीन गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और दो गाड़ियां तो भाग गई हैं और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहां किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। उत्तर प्रदेश कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह तीन तीन गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और दो गाड़ियां तो भाग गई हैं और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहां किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। उत्तर प्रदेश